मैं शालिनी हिंदुस्तानी जायका से आज शालिनी की रसोई में आपको करेला का भरवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह मैंने 4 करेला लिया था, इसे मैं इस तरीके से छील लूँगी। करेला अगर ज़्यादा बड़ा है तो 3 पीस कीजिएगा, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। 2 भाग में काटिएगा। ये देखिए मैंने 2 भाग में काटा है और इसके अंदर के सारे बीज को मैं निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरीके से सारे बीज को निकाल लिया है। ये देखिए मैंने सारे बीज को निकाल के इस तरीके से खाली कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे करेले का बीज निकाल लूँगी। बीज को मैं पीस लूँगी मिक्सी में, क्योंकि जब मैं मसाला बनाऊँगी तो ये बीज को मैं वहाँ ऐड करूँगी। अब मैं करेला को बॉयल करूँगी। ये देखिए मैंने करेले को बॉयल कर लिया है। ये बॉयल हो चुका है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं एक एक करके सारे करेले को निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने सारे करेले निकाल लिए हैं। अब मैं वापस से कढ़ाई चढ़ाई हूँ, इसमें मैंने बड़े चम्मच से 4 बड़े चम्मच ऑयल डाला है और 4 प्याज को मैंने बारीक काट लिया था। यहाँ मैंने गर्म ऑयल में डाल दूँगी और इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाली हूँ ताकि ये प्याज हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए प्याज हमारा गल चुका है, अच्छे तरीके से लाल हो गया है। अब मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच से गार्लिक पेस्ट डालूँगी और 2 बड़े हरी मिर्च डाली हूँ और यहाँ मैंने रेड चिली भी, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम मिर्ची डाल सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच से टर्मरिक पाउडर यह डाला है और इसे मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। ये देखिए मैं यहाँ मसालों को अच्छे से हल्का सा पानी डाला है ताकि मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। यहाँ मैंने 2 चम्मच जीरा पाउडर और यहाँ जो मैंने बीज पीसा था करेले का वहाँ इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें आप कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर, ये सारे मसाले डाल के अच्छे तरीके से यहाँ मैं भून लूँगी। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं यहाँ जब मसाला अच्छा से भुन जाए तो 2 बड़े चम्मच से सरसों का पाउडर यहाँ डालूँगी और इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। और मैंने चना फुलाया था वो यहाँ इसमें डालूँगी। 50 ग्राम करीब मैंने चना यहाँ डाला है और ये इसमें मीठा बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा 2 चम्मच इमली का पेस्ट, या आपके पास दाने वाले होंगे उसे आप फुला कर यहाँ पे डाल दीजिएगा और इसे अच्छे तरीके से भून लीजिएगा, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना अच्छा हमारा भरवा बनकर रेडी होगा। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो भूनकर रेडी हो चुका है। इसे मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए मैंने बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगता है। ये देखिए अब मैं अपने भरवा के अंदर इन मसालों को फिल करूँगी। ये देखिए इस तरीके से आप करेले के अंदर मसाला को फिल कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं सारे करेले को फिल करके रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारे करेले को भरकर रेडी कर लिया है। मैंने करेले को इसलिए भापा था क्योंकि इसमें इसे आपको भूनने में कम ऑयल भी लगता है और ये काफ़ी टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होगा। ये देखिए मैंने पैन में तेल डाला था, डाल के गर्म करके रखा था। इसमें मैंने दोनों करेले को डालकर सेक लूँगी। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब आपका मन हुआ इसमें निकाल करके भून कर और खा लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा लाल हुआ है। इसे आप रोटी, पराठा, चावल किसी भी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। मेरे फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।